पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी संघ का कहना है कि सरकार उनकी बार बार अनदेखी कर रही है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल करेंगे। पटवारियों ने अपनी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी है। इस वजह से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अमरपाटन पटवारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारी ये हड़ताल चलती रहेगी। हमने कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही अमरपाटन तहसील के सभी हल्का पटवारी ने अपने बस्तों को तहसील कार्यालय में जमा कर दिए हैं और सभी राजस्व कार्यों को बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं है, मांगे पूरी करने के लिए आश्वासन नहीं मिला तो हम 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल करेंगे। उसी पंक्ति में चरणबद्ध तरीके से आज हम 28 तारीख को अपना बस्ता तहसील कार्यालय में जमा कर रहे हैं और आज से कलमबंद हड़ताल में जा रहे हैं। अभी इसका जब तक कोई मांगे, हमारी जो मांगे हैं, हमने जो मांग किया है सरकार से, नहीं पूरी होंगी तब तक हमारी ये हड़ताल प्रांत के निर्देशानुसार चलेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।